Hello dear students, welcome to your Global Educational Institutes and good morning to all of you. Dear students, आज हम आपको क्लास 11 की केमिकल रिएक्शंस, आयनिक केमिकल रिएक्शंस को बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं वो सिखाएंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है Br2 प्लस OH नेगेटिव एरो Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस H2O। इस इक्वेशन को हमें बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मेथड से बैलेंस करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को टू हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, Br2 से BrO3 नेगेटिव, Br2 से BrO3 नेगेटिव प्रोड्यूस होता है। इस इक्वेशन में हमारे पास ब्रोमीन के 2 एटम्स है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड 1 एटम है, तो हम BrO3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ब्रोमीन एटम की नंबर इक्वेशन में एरो के बोथ साइड इक्वल हो चुकी है, बट ऑक्सीजन एटम हमारे पास आ चुके हैं। ऑक्सीजन के 2, 3, 6 एटम आ चुके हैं, तो अब हम इसे 2, 3, 6 डबल, 6 का डबल 12, OH नेगेटिव से ऐड करेंगे, तो राइट साइड हमें इसका हाफ H2O, 6H2O ऐड करना होगा। इस प्रकार हमारे पास ये एटम के अकॉर्डिंग इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, बट चार्ज के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो अब हम इसमें इधर 12 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास सेकंड इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब हम बोथ इक्वेशन को ऐड करेंगे, उससे पहले हमें दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम रखनी है, तो सेकंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 10 हो जाए, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेकंड इक्वेशन मल्टीपल 5, दैट इज 5Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन एरो, 2, 5, 10 Br नेगेटिव। इस प्रकार हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन प्राप्त हो चुका है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर हमारे पास ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे साइड है। अब दोनों को यदि हम ऐड करें 5 और 1 6 Br2, 5 और 1 6 Br2 प्लस 12 OH नेगेटिव एरो, 10 Br नेगेटिव प्लस 2 BrO3 नेगेटिव प्लस 6H2O। इस प्रकार हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बट पूरी इक्वेशन में हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम और इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 3Br2 प्लस 6OH नेगेटिव एरो, 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 3H2O, ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक सेकंड इक्वेशन आपको बैलेंस करनी सिखाएंगे। Mn++ प्लस CO2 प्लस H2O, इस इक्वेशन को हमें
एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। एसिडिक क्यों? क्योंकि यहां पर एच प्लस है, एच पॉजिटिव मीन्स यहां पर एसिडिक मीडियम है, ओ एच नेगेटिव मीन्स होता है बेसिक मीडियम। सबसे पहले इस इक्वेशन को टू हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करना होगा। तो टू हाफ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन MnO4 सिंगल नेगेटिव से हमारे पास बनता है Mn++। Mn एटम की नंबर बोथ साइड सेम है बट ऑक्सीजन एटम सेम नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल को राइट साइड आपको ऐड करना होगा। वन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में वन ऑक्सीजन का एटम होता है, तो हमारे पास फोर ऑक्सीजन एटम है, तो इधर हम फोर वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। इस प्रकार हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो आए हैं, हाइड्रोजन एटम्स वो एट आए हैं, तो लेफ्ट साइड हम एट एच पॉजिटिव ऐड कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास Mn हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सभी एटम्स बैलेंस हो चुके हैं बट चार्जेस बैलेंस नहीं है। लेफ्ट साइड वन इलेक्ट्रॉन एट प्रोटोन सेवन प्रोटोन हुए, तो इधर टू प्रोटोन से, तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में फाइव इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। इस प्रकार हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन C2O4 टू नेगेटिव से हमारे पास CO2 प्राप्त हो रहा है, तो हम लेफ्ट साइड में कार्बन के टू एटम देखते हैं, इधर कार्बन का एक एटम है, तो इधर टू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोथ साइड कार्बन एटम की नंबर बैलेंस हो चुकी है, ऑक्सीजन 2 to 4 दोनों साइड 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, बट इलेक्ट्रॉन की नंबर लेफ्ट साइड 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट साइड कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो राइट साइड हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास ये बैलेंस हुई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 2 8 16 H पॉजिटिव एरो 2 Mn पॉजिटिव प्लस 2 4 8 H2O, ये बैलेंस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हुआ। अब सेकेंड इक्वेशन में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 C2O4 2 नेगेटिव एरो 5 2 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हुई। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर इक्वल है, 10 10 इलेक्ट्रॉन्स है बोथ साइड, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हुआ 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव प्लस 16 H पॉजिटिव एरो 10 CO2 प्लस 2 Mn प्लस 8 H2O। इस प्रकार हमारे पास ये बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हो चुका है, जो कि आयनिक इक्वेशन है और हमें आयनिक इक्वेशन को ही बैलेंस करना था। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एरो Cr3 पॉजिटिव प्लस
CO2 प्लस H2O। इस इक्वेशन को हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को टू हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। C2O4 2 नेगेटिव से CO2 बनता है या प्रोड्यूस होता है। हमारे पास कार्बन के इधर 2 एटम है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड कार्बन के एटम नंबर इक्वल होनी चाहिए। ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, तो इधर ऑक्सीजन भी 4 हो चुका है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो राइट साइड में हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। इस प्रकार ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो इधर Cr के 2 एटम से, इधर Cr का 1 एटम है, तो हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर ऑक्सीजन के 7 एटम से, इधर ऑक्सीजन का कोई एटम नहीं है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने होते हैं। ऑक्सीजन के 7 एटम है, वाटर के 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, तो हम 7 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करेंगे। अब इधर राइट साइड लेफ्ट साइड, अब हमारे पास लेफ्ट साइड हाइड्रोजन का कोई एटम नहीं है, बट राइट साइड में हाइड्रोजन के 14 एटम्स हैं, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14 एच पॉजिटिव ऐड करेंगे। अब लेफ्ट साइड हमारे पास 14 प्रोटॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 प्रोटॉन, और इधर 6 प्रोटॉन है, तो यहां पर हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास ये बैलेंस इक्वेशन हुआ, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीपल 3, तो 3C2O4 2 नेगेटिव एरो 3 2 6 CO2 प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड इक्वेशन हुआ। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम है, तो दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की नंबर को हम कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास इक्वेशन हुआ Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3C2O4 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव लेफ्ट साइड। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब राइट साइड हम देखते हैं 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6CO2 प्लस 7H2O, ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो कि आयनिक फॉर्म में है। अब हम इसको चेक भी करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं। क्रोमियम के इधर 2 एटम्स हैं, इधर भी क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, इधर कार्बन के 6 एटम है, इधर भी कार्बन के 6 एटम है, ऑक्सीजन के 7 और 12 19 6 2 जा 12 और 7 19 एटम्स है, हाइड्रोजन के 14 एटम्स है, इधर भी हाइड्रोजन के 7 2 जा 14 एटम्स है। बट अब हमें चार्ज देखना है। देखिए इधर इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ये 3 2 जा 6 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स और 14 प्रोटॉन्स माइनस 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज 6 प्रोटॉन्स। लेफ्ट साइड में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स है और इधर 2 3 जा 6 प्रोटॉन इधर है। इस प्रकार हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके डियर फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।